नारी कहते हैं कि सेकेंड लाइन सिटीजन, लेकिन मैं कहता हूँ, हम सब कहते हैं, हम सब जानते हैं कि नारी नॉर्थ का द्वार नहीं है और स्वर्ग का द्वार है। इसी बात को ये संस्था ने प्रमाण कर दिया। ये संस्था का जो भी चीफ होते हैं, चाहे सेंटर हो, चाहे गीत पाठशाला हो, चाहे सारा विश्व में जितने भी सेंटर्स है, उसका लीडर होते हैं महिलाएं और बहनें। शक्ति के बिना शिव अधूरा है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों का प्रभाव से ही ताकत मिलता है, ऊर्जा मिलता है। शक्ति के बिना शिव का अधूरापन हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने एक शक्तियों को आगे रखा। और जानते हैं कि ये महिला शक्ति के प्रतीक है, ये तो सर्वं स्वाहा है, सुख शांति आनंद और प्रेम का ये जीता जगता ये मिसाल है। कोई बोलने से, कहाँ किताबों में लिखने से वो चीज़ तो बदल नहीं जाएगा, लेकिन आज लोगों की मानसिक स्थिति को बदलना जरूरी है और बदल भी चुका है। आज चारों तरफ, ये है भारत में ही है नहीं, सारे विश्व में कहते हैं महिलाओं को आगे लाना होगा। वो समझते हैं आज नेगेटिविटी इतने बढ़ने का एक ही, मुझे बहुत सारे कारणों से एक ऐसे रीजन है, क्योंकि हम लोग महिलाओं को नेग्लेक्ट करते हैं। महिलाएं आगे आना चाहिए। आज चारों तरफ आरक्षण के लिए नारा लग रहा है, पॉलिटिक्स में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण और हर चीज में आरक्षण चाहिए महिलाओं। लेकिन मैं जानती हूँ महिला के अंदर इतना पोटेंशियलिटी है। आज हम देखेंगे तो हर जगह, अभी बॉर्डर सिक्योरिटी में भी वो ऐसा ऐसा काम करते हैं जो भाई लोग नहीं कर पाते। अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, उनके अंदर जुनून है, यस मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, किसी के पीछे, मेरे पीछे कोई रहना कोई जरूरी नहीं, मेरे अंदर पोटेंशियलिटीज है। इसीलिए आज आप देखेंगे तो CBSE का रिजल्ट, कोई मेडिकल का रिजल्ट, कोई IAS का रिजल्ट, IAS OAS इंजीनियर MBBS जो भी आप रिजल्ट देखेंगे, बहनें अपने छात्राएं और पहले जो नंबर 10 पे उनका नाम 50 से ज़्यादा रहता है। अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, हम पीछे नहीं हैं, हम आगे हैं, आगे बन सकते हैं, जा सकते हैं। इसीलिए ये जो संस्था, ये जो इतने सारे संस्थाओं को एक सूत्र में बांधना, कोई बाबा के भाषा में कोई मासी का घर नहीं है। इतने लोगों को इकट्ठे करना, मानसिक परिवर्तन करना, ये केवल ये संस्था महिलाओं के नहीं, समाज के हर वर्ग, हर श्रेणी को आगे लाने के लिए वो चाहते हैं। जो समाज के सब लोग आगे बढ़ेंगे तो विश्व परिवर्तन हो सकेगा। मुट्ठी भर मानव के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, सबको आगे लाना होगा, आगे आना होगा। इसीलिए वो युवाओं को भी आगे लाने के लिए गांव-गांव वो रैली कर रहे हैं। सब जानते हैं जितने अभी जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, इसके साथ ही अपना अनाज का भी बढ़ावा जरूरी है। इसीलिए लोग रासायनिक सार का खाद का यूज करते हैं, लेकिन देखा गया है कि रासायनिक सार यूज करते बाद तो हम शारीरिक रूप से
इतना इतना इतने नया नया बीमारी आ रहा है। इसीलिए ये संस्था ने जैविक सार, ऑर्गेनिक सार यूज करके वो गांव गांव किसानों के अंदर ये बात को फैला रहे हैं। मुझे भी मौका मिला था कि ब्लॉक में कृषि सम्मेलन जो हो रहा है उसमें शामिल होने के, लोगों को समझाने के लिए ये लोग इसको अपना रहे हैं। आज सब सोच रहे हैं हमको तो उस रासायनिक सार को बंद करना है, खाद को अभी ऑर्गेनिक जो खाद को वो अपनाना है, और उसके साथ साथ यौगिक व्यवस्था को भी उपयोग करना है। भाई और बहनों, आज सारे विश्व में स्वच्छता का अभियान चल रहा है, स्वच्छता बाह्य स्वच्छता के, लेकिन ये संस्था का नंबर वन मुद्दा तो है स्वच्छता और पवित्रता। ये पहले से ही है, ये केवल बाह्य स्वच्छता नहीं है, आंतरिक स्वच्छता, मन वचन कर्मणा में स्वच्छता, दृष्टि वृत्ति कृति में स्वच्छता, चाल चलन चेहरा में स्वच्छता, कथनी और करनी में समन्वयता समरसता, ये तो उनका मुद्दा है, ये संस्था का मुद्दा है। हम जब गांव जाएंगे तो बाह्य स्वच्छता के एटमोस्फियर के स्वच्छता के साथ साथ अपने अंदर के स्वच्छता के बारे में भी लोगों को समझाना है। स्वच्छता तो अंधार ही ज्यादा है, इस स्वच्छता को मिटाने के लिए ये संस्था इतने दिनों से काम कर रहे हैं। मुझे पता है छोटे छोटे गांव से लेकर छोटे बड़े शहर तक तो बहने गांव गांव जाके कैसे लोगों को समझाते हैं और उनके मानवीयता को जो घट गया है उसको फिर पुनर्स्थापन करने के लिए पुनर्स्थापित करने के लिए वो कितने मेहनत करते हैं। जो लोग इस यही संस्था से जुड़े हैं वो लोग तो परिवर्तन हो गए हैं। यही संस्था से ज़्यादा लोग कैसे जुड़े, इसीलिए हम सबको प्रयास करना होगा। हम गांव जाएंगे ऐसे तो, क्योंकि ये युग एडवर्टाइजमेंट की युग है। आज तो सिनेमा वाले भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि लोगों के पास जाने से ही ये सोचते हैं ये तो इतने व्हाइट ड्रेस इतने परहेज खान पैन वो परहेज है, इसीलिए लोग डरते हैं। लेकिन वो हम जाएंगे लेकिन उनको समझाएंगे कि नहीं, बहुत सहजता से बहुत आसानी से हम इसी संस्था से जुड़ सकते हैं और इसी संस्था के जितने भी श्रीमत है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। इनका जो इस संस्था के जो मकसद है, ये मकसद ये लक्ष्य जो बेहतर समाज की स्थापना, मुझे लगता है हम इसी तरह प्रयास करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि ये समाज में जरूर बदलाव आएगा। महात्मा गांधी जी का सपने राम राज्य जरूर लौटेगा। इसके लिए हम सबको बहने तो प्रयास कर रहे हैं। जो गृहस्थी है उनको भी प्रयास करना होगा। कहते हैं कि एग्जाम्पल इज बेटर देन एडवाइस, अपने आप को एग्जाम्पल बनाना है। यस, हम कर सकते हैं, हम महाकाश पे जा सकते हैं, मिट्टी के अंदर जा सकते हैं, पानी के गहराई में जा सकते हैं, इतने थोड़ा से काम हम नहीं कर सकते। मैं जो सेंटर से बिलोंगिंग करती हूँ वहाँ एक बार मुझे बहन जी ने बोली, दीदी आप थोड़ा गाना गाइए, मुझे तो गाना नहीं आ रहा है। तो मैंने एक मुझे हिंदी गाना
मुझे याद आ गया, जो खिल सके ना ओ फूल हम है, तुम्हारी चरणों के धूल हम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्हें हम माता पिता तुम्हें। बहन जी ने बोले, दीदी आप तो बाबा कहते हैं, बच्चे आप चरणों के धूल नहीं है, आप मेरे दिल के धड़कन है, आप तो आंखों के तारा है, आप तो मेरे दुलारी है, आप तो राजा है, राजा बेटा है। दया की दृष्टि नहीं, माता पिता अपने बच्चों को दया नहीं करते हो तो अधिकार से, अपना अधिकार है, मेरे जो कुछ है वो तुम्हारे है, मेरे जो कुछ है वो तुम्हारा है, उसको दया की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो बच्चे जो बिगड़ जाते हैं, माता पिता भी थोड़ा गुस्सा करते हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मिल जाता है, क्योंकि हम सब लीगल हेयर है ना, बाबा का लीगल हेयर है, बाबा का जो कुछ है, बाबा में जो गुण है, जो क्वालिटी है, हम में भी वही क्वालिटी है, लेकिन उस क्वालिटी को पहचानना चाहिए और खुद उसको प्रयोग करने के साथ साथ दूसरों को भी। बाप कहते हैं, आप जो कर रहे हैं ना दूसरे, आपको जो फॉलोअर से दूसरे भी वही कहते हैं, इसीलिए आपको भी चाल चलन चेहरा में शुद्धता आना चाहिए, आपका वृत्ति में शुद्धता आना चाहिए, तो आपका फॉलोअर्स में भी आपके जो करते हैं वो जरूर करेंगे और विश्व का परिवर्तन जरूर होगा। इसके लिए हम सबको मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा, हम अपने आप को जितने भी नकारात्मक सोच है उसको बदलकर सकारात्मक सोच लाएंगे और बाबा के श्रीमत में चलेंगे। बाबा कहते हैं, ये विश्व ये कंठे के जंगल है, ये कंठे की जंगल को फूल के जंगल बनाना है तो थोड़ा बहुत तो मेहनत तो करना पड़ेगा। इसीलिए हम जब ढूंढते हैं सुख को ढूंढते हैं, हर कोई सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन सुख हम कहाँ ढूंढते हैं, वस्तुओं में, वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, लेकिन वो सुख तो स्थायी नहीं है, लेकिन स्थायी सुख अपने अंदर है, उसको ढूंढना है। तो इसके लिए जो हर किसी के लिए, जैसे भगवान ने जो क्रिएट किए हैं, जितने भी प्लैनेट है, अपने 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 आप ना कक्षा में चलते हैं, स्कूल में हम दाखिला लेते हैं, स्कूल का भी कोई अनुशासन है, उनका भी कोई नीति नियम है, गवर्नमेंट जो चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के नीति नियम के अनुसार चलता है, लेकिन इसीलिए अपने आपका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, मुझे कैसा जीना है, मुझे ऐसा जीना है कि मुझे देखकर बोले कि यस ये जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए इतने फॉलोअर्स है। लेकिन इसी बात को, इसी मैसेज को लेकर के हमको गांव को जाना होगा, लोगों के पास जाना होगा, जरूर परिवर्तन होगा और राम राज्य जो सपना है महात्मा गांधी का वो जरूर पूर्ण होगा, और इस संस्था जो रूहानी संस्था जो पुनर्स्थापन, जो मूल्यों का जो पुनर्स्थापन करने के लिए जो सोच रहे हैं, आज चारों तरफ जितने भी यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी में आज वैल्यू एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, आज थोड़ा बच्चे ये दुनिया के ये चकचकियों को देखकर थोड़ा रास्ता भूल गए हैं, उनको रास्ता दिखाना हम सब का काम है। इसीलिए मैं तो गवर्नर तो चांसलर होते हैं, अपना जो स्टेट में 5 यूनिवर्सिटीज है मूल्य एजुकेशन या वैल्यू एजुकेशन के लिए, शायद नेक्स्ट अपना एकेडमिक सेशन से वो शुरू करेंगे और जरूर ये बदलाव आएगा, ये जो गीत है, हम होंगे कामयाब एक दिन, जरूर हम होंगे कामयाब।